नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका यूनिक ऑनलाइन चैनल में स्वागत है। आईडी आज हम लोग बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल के लिए, हम लोग कैसे लाइन को ब्रेक करते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, लाइन ब्रेक टैग का इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके से अपने हम वेब पेज में किसी भी लाइन को ब्रेक करते हैं, तो आज उसी को हम लेके आए हुए हैं आपके सामने। तो चलिए दोस्तों देखते हैं लाइन को ब्रेक कैसे करते हैं एचटीएमएल में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नोट पैड ओपन कर लेंगे, और नोट पैड ओपन करने के बाद तुरंत हम लोग क्या करते हैं भाई, तुरंत क्या करते हैं नोट पैड ओपन करने के बाद फट से यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, अपना एचटीएमएल टाइप करते हैं, हेड टाइप करते हैं। हेड में हमने कुछ भी दे दिया, यूनिक ग्रुप दे दिया हमने, यहाँ पे टाइप कर दिया, ठीक है। अगर सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे हेड नहीं देना है, या ठीक है आपको टाइटल नहीं देना है, तो कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपने एचटीएमएल ओपन कर लिया। HTML ओपन करने के बाद तुरंत आपने क्या कर लिया, बॉडी टैग ओपन कर लिया, जहाँ पे सारे कंटेंट आपको देने होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, बॉडी टैग ओपन कर लिया डियर, ठीक है, बॉडी टैग हमारे सामने आ गया। अब हम क्या करेंगे, बॉडी के बाद तुरंत यहाँ पे हम लोग पैराग्राफ बना लेते हैं, यानी पी टैग हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। अब पी टैग में आपको जो भी देना है आप दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। हम यहाँ पे कह सकते हैं राम इज ए गुड बॉय, ठीक है, हम यहाँ पे पी टैग में क्या डिफाइन कर सकते हैं, राम इज ए गुड बॉय, ठीक है, राम इज ए गुड बॉय, बिल्कुल यहाँ पे हमने टाइप कर दिया। अब हमको लाइन को ब्रेक करना है, यहीं पे हम क्या करेंगे, बी आर टैग लगा देंगे। कौन सा टैग लगा देंगे डियर, बी आर टैग लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, और भी लाइन को ब्रेक करना है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, संगम प्रयागराज, ठीक है। अब यहीं पे हमको और लाइन ब्रेक करना है, तो हमने एक कंटेंट क्या दे दिया, संगम प्रयागराज, ठीक है, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे हमने क्या डिफाइन कर दिया, संगम प्रयागराज यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया, ओके। चलिए और हमको लाइन को ब्रेक करना है, हमने यहाँ पे बी आर टैग लगा दिया। कौन सा टैग लगा दिया, बी आर टैग लगा दिया। अब क्या करना है, बी आर टैग लगाने के बाद हमको और कुछ भी यहाँ पे लिखना है, तो हमने लिख दिया कि हाँ संगम प्रयागराज में कौन कौन सी नदियाँ हैं, यहाँ पे हमने उस नदी का नाम डिफाइन कर दिया। सपोज देयर गंगा यमुना सरस्वती, तो हमने यहाँ पे लिख दिया गंगा यमुना सरस्वती सरस्वती, ओके, गंगा यमुना सरस्वती हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। बी आर टैग यहाँ पे हमने फिर से यहाँ पे क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया, ठीक है। बी आर हमारा कंप्लीट हुआ, पैराग्राफ ओपन था, इसी लाइन में क्या करेंगे, पी टैग को भी क्लोज कर देंगे, ठीक है, पी टैग को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ओके डियर। इतनी बात सबको समझ में आ गई, अब हम लाइन को ब्रेक करना सीख रहे हैं, तो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब क्या करेंगे, बॉडी को बंद कर देंगे। अब क्या करेंगे, बॉडी हमारा बंद ओपन था, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, बॉडी टैग को क्लोज कर देंगे। HTML ओपन था, HTML टैग को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, HTML को भी क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, ओके, बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, लाइन को ब्रेक करना है, सबसे पहले फाइल को जाएंगे सेव एज में, और सेव एज में हम तुरंत डेस्कटॉप सेलेक्ट करके फाइल को यहाँ पे हम सेव कर लेंगे, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे किसी का नाम है मान लीजिए कि रोशन, ठीक है, तो हमने रोशन के नाम से क्या किया, फाइल को सेव कर लिया, रोशन डॉट एस टी एम एल, ओके, रोशन डॉट एस टी एम एल हमारी फाइल सेव हो गई। अब इसको क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, तुरंत देखेंगे रोशन नाम की फाइल कहाँ गई भाई, देखिए रोशन नाम की फाइल यहाँ पे आ गई है। अब हम इसको क्या करेंगे, रोशन को यहीं पे हम क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे ओपन किया, वैसे हमारा लाइन ब्रेक क्या होगा, तुरंत आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये देखिए आपकी लाइन यहाँ पे देखिए ब्रेक हुई है, राम इज ए गुड बॉय पहली लाइन, संगम प्रयागराज दूसरी लाइन, गंगा यमुना सरस्वती तीसरी लाइन। तो हमने इस तरीके से लाइन को ब्रेक करना सीख लिया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपको कंटेंट को ब्रेक करना हो वहां पे बीआर टैग इस्तेमाल कर लो, बस इसका मेन मोटो यही है। तो आज हमने क्या सीख लिया भाई, आज हमने क्या सीख लिया, लाइन को ब्रेक करना, उसके लिए हम कौन सा टैग इस्तेमाल करते हैं, बीआर टैग, जो कि आपके सामने दिया हुआ है, हमने बीआर टैग को यहाँ पे ओपन कर लिया, ओके डियर, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, ओके।